नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर। दोस्तों इस समय के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार है, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर के विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ने किसानों को बताया है लफंगा, बोली दारू मुर्गा मिलता है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के कई नेताओं मंत्रियों ने किसानों को लफंगा, खालिस्तानी और आतंकवादी तक कह दिया, लेकिन मोदी सरकार ने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप लोगों को बताते चले, इसी क्रम में बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों को लफंगा व डिफॉल्टर बताया है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, सोनाली हिसार के इरिगेशन डिपार्टमेंट में किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में अधिकारियों से चर्चा करने आई थी और इस बीच यहां पर उन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने आंदोलन करने वालों को लफंगा बताया है। सोनाली का गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने अपना बयान आगे जारी करते हुए कहा है कि हर गांव में ऐसे 10-5 लोग होते हैं जिन्हें फ्री की सेवाएं चाहिए होती हैं। सोनाली फोगाट ने आगे कहा है कि आंदोलन में शामिल लोग किसान तो हैं ही नहीं, उन्हें यह सब करने के लिए दारू मिलती है, मुर्गा मिलता है और बस नाच गाना देखते हैं, असली किसान वो हैं ही नहीं। ये यहां पर विवादित बयान दे दिया है बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ने। और अब तो यहाँ पर बीजेपी के कई लोग यहाँ पर हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। देख सकते हैं इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा किसानों के समर्थन में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। कांग्रेस को पटरी पर लाने के लिए प्रशांत किशोर ने बनाया है बड़ा प्लान, मंथन लगातार जारी है, रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी देश में एक बार फिर मजबूत उपस्थिति बनाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से बताई गई योजना पर लगातार चर्चा कर रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस समिति स्तर की कई बैठकें भी कर चुकी है जिनमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि किशोर औपचारिक तरीके से कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस में विचार विमर्श किया गया और कई नेता यहां पर पीके की एंट्री को लेकर के राजी भी हो गए हैं। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हाल ही में गांधी परिवार के साथ हुई मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ब्लूप्रिंट भी सौंपा था कि आखिर कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है। और वहीं प्रशांत किशोर लगातार यह भी दावा करते आए हैं कि 2024 तक राहुल गांधी सत्ता के शिखर पर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीके की एंट्री जल्द ही होने वाली है कांग्रेस के अंदर और यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है कांग्रेस संगठन के अंदर। और पीके सीधे तौर पर अब मोदी सरकार के खिलाफ उतर करके आए हैं और कैसे भी करके पीके यहाँ पर यही चाहते हैं कि मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाया जाए, जिसको लेकर के पीके ने चुनी है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग भी यहां पर प्रशांत किशोर ने ही की थी कि कैसे चुनावी अभियान चलाना है और कैसे विपक्ष को मात देनी है। प्रशांत किशोर का प्रधानमंत्री मोदी की जीत में बड़ा हाथ था, लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी में एंट्री करने वाले हैं पीके। दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के पोस्टर में किसानों का अपमान, कांग्रेस के नेता बोले ये खुली धमकी है, किसानों का बाल पकड़ करके घसीटा जाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आंदोलनकारी किसानों को लेकर के एक ऐसा ट्वीट कर दिया गया है जो आने वाले समय में भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून डाला गया है जिसमें कैप्शन दिया गया है कि ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। और इस पोस्टर में राकेश टिकैत को दिखाया गया है जिनके योगी आदित्यनाथ बाल खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर नहीं बल्कि सीधे सीधे आंदोलन कर रहे किसानों को एक धमकी है। इसको लेकर के देश भर से प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा का किसानों के नाम संदेश है, अब उन्हें बाल पकड़ करके घसीटा जाएगा।
आप लोगों को बताते चलें, यूपी बीजेपी के अंदर हलचल लगातार देखने को मिल रही है। जब से राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार के चुनाव में हम योगी आदित्यनाथ को यहां पर यूपी से भगा करके दम लेंगे, जिसके बाद यहां पर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और राकेश टिकैत ने यह भी बयान दिया था कि लखनऊ को भी दिल्ली बना करके रख देंगे जब तक कि किसानों की समस्याएं यहां पर सुलझ नहीं जाती हैं। और वहीं बीजेपी की तरफ से इस विवादित पोस्टर के बाद यहां पर किसान नेताओं में और भी जोश बढ़ गया है योगी आदित्यनाथ को हराने को लेकर के। और उनका दो टूक कहना है कि अब तो योगी की विदाई लगभग तय हो चुकी है यूपी से, किसान एकजुट है और किसान आंदोलन में एक नया जोश आ चुका है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही है भाजपा। हरसिमरत कौर बोली, ये संविधान का अपमान है, बीजेपी को जवाब तो देना ही पड़ेगा। संसद के दोनों ही सदनों में चल रहे मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही है। आप लोगों को बताते चलिए, जिसके चलते कई विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर के बैठक की थी। इस बैठक में मोदी सरकार को कई मुद्दों पर सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया गया। इसी कड़ी में आज शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह सरकार इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाहती है। उन्होंने कहा है कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इस वक्त पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के दो मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग कर रहा है। एक तो किसानों के मुद्दे पर बात की जाए और दूसरी पेगासस जासूसी मामले पर। यह सरकार अन्नदाता विरोधी सरकार है, देश में किसान मर रहे हैं और यह सरकार बयानबाजी कर रही है कि कोई किसान नहीं मर रहा है। अगर हम कोरोना महामारी के मुद्दे पर चर्चा करें तो यह सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई भी नहीं मरा है। सदन को सरकार ने मजाक बना करके रख दिया है। यह देश के अन्नदाताओं का ही नहीं बल्कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान है। मोदी सरकार खुलेआम संविधान की हत्या कर रही है, ये यहाँ पर कहना है हरसिमरत कौर का, जो कि बीजेपी की ही पूर्व सहयोगी है और जबरदस्त तरीके से किसानों के मुद्दे पर भड़की है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। चुनाव के बाद पहली बार गांव पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। ग्रामीणों ने पानी से लबालब सड़क पर चलवाया है। कांग्रेस बोली, यूपी में भाजपा के डूबने के रुझान आने लगे हैं। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बीजेपी विधायक को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। नाराज ग्रामवासियों ने विधायक को पानी से भरी सड़क पर भी चलवाया। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना हापुड़ जिले के ढोलपुर गाँव का है। आगामी चुनावों के मद्देनजर विधायक कमल सिंह मल्लिक इन दिनों गांव की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसको लेकर के उनका लगातार कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है। वहां ढोलपुर गांव जैसे ही पहुंचे, ग्रामवासी वहां के भड़क गए और उनको यहां पर खदेड़ने लगे। और यहां पर विधायक जी को जल जमाव से लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था तक दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। और सड़क तक नहीं बनवाई गई है और पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर के ग्रामीण यहां पर भड़के हैं बीजेपी के विधायक पर। और जिस पर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के डूबने के रुझान अभी से ही आने लगे हैं। ऐसे ही बीजेपी वालों का हर जगह पर विरोध किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है खत, किसानों के लिए मांगी है फसल ऋण चुकाने की राहत। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर के उनसे किसानों के द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है खत और कहा है कि किसानों को राहत दी जाए। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मुसलमानों को विशेष वर्ग मानने का किया गया है विरोध। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। मुस्लिम समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने वाली सच्चर समिति की रिपोर्ट का लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि मुसलमानों को विशेष वर्ग नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही याचिका में देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए बनाई गई सच्चर समिति के गठन पर भी सवाल उठाया गया है।
इस याचिका में आगे कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में बदतर है और सरकार उनकी बेहतरी के लिए उचित कदम उठाने में विफल रही है। यह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। असम की बीजेपी सरकार ने मिजोरम जाने वालों के लिए जारी की है एडवाइजरी। कांग्रेस ने बताया है शर्मनाक। आप लोगों को बताते चलें, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के बीच असम सरकार ने मिजोरम यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले को शर्मसार करने वाला बताया है। मालूम हो कि बीते सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी और इस सब कुछ के लिए यहां पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया था और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि अमित शाह ने जो नफरत का बीज बोया है उसका नतीजा अब सामने निकल के आ रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।